scholarly students. स्टीवन हमने चैप्टर नंबर 6 पार्ट किया हुआ है और अब हमने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का थर्ड पोर्शन जिसमें प्रिपरेशन लिखी हुई है कमेंस डायमेंस एंड परमेंस बेटा ये पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है शार्प और नॉन क्वेश्चन भी शामिल होते हैं तो इसे डिवाइड करिए जो आज में पढ़ रहे हैं हम तो इस बात कर रहे हैं कमेंस एंड इसके अलावा
या तो उसके मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है या फिर 3 होता है। तो ब्रोमिन ऑक्सीडेशन नंबर 6 या 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहां पर K2CrO4 यहां पर ब्रोमिन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगर ऐसे 3 है क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर 5 का मान होना चाहिए। अगर 3 की प्रोपोर्शन में ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात होती बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? मैं एक सवाल कर देता हूं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि K2CrO4 इसके अंदर ब्रोमिन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए सब ऑक्सीडेशन नंबर लिख को इक्वल जीरो कर दो। कैसे? पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। पोटेशियम का रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसके बाद इस पर करने से पहले आप एक जरा फार्मूला बना लेना। और जब भी किसी भी सब्सटेंस का किसी भी कंपाउंड
गया तो हमेशा कम गैस की तरफ मूव करता है, तो इतनी भी जब गैस कम हो जाएगा तो एक से तो तेज हिला देने से तो वेट बढ़ना स्टार्ट और यही नेक्स्ट पार्ट आपको होगा डाइवर्टर।